गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स मी अलीशा। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। इसने धूम मचा रखी है, आप कह सकते हो इस चीज को। एंड वो टॉपिक है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। सो हर प्लेटफॉर्म पे आप देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको वही उसी तरह के मीम्स एंड ऑल हर चीजें आपको मिल रही है। आप स्क्रॉल करोगे डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर कुछ मिले ना। एंड ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है इस टाइम पे। एंड ठीक है, जिसको टिकटॉक पसंद है वो टिकटॉक पे वर्क कर रहा है, जिसको यूट्यूब पसंद है वो यूट्यूब पे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे मैं किसी के तरफ साइड से बोलने नहीं आई हूँ या फिर मेरी किसी से पर्सनल हेट नहीं है। सो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि व्हाट आई थिंक अबाउट, जस्ट बिकॉज एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, योर फैमिली और फ्रेंड्स से बोलो ना, इस पे तो कुछ बोलो, मतलब कुछ उस टाइप का ही है। सो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि व्हाट यू थिंक अबाउट। सो सबको अलग अलग रिप्लाई देने से अच्छा एक वीडियो बना दी जाए इस टॉपिक पे। सो या गाइस, वैसे मेरी किसी से पर्सनल हेट नहीं है, ना ही मुझे कैरी मिनाटी बहुत ज्यादा बेकार लगता है, फिर मुझे फैजल या फिर मुझे कोई भी टिकटॉकर बेकार लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। सो यहाँ पे जो भी मैं बोलूंगी मैं अपने साइड से अपने ओपिनियन से बोलने वाली हूँ। सो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। सो पहली बात तो ये कि टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब। सो गाइज, किसी को किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज दोनों ही एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सो सबसे पहले यूट्यूब पे ट्रॉल करा गया टिकटॉकर्स को, देन उसके बाद आमिर ने अपने आईजीटीवी पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, बट उसमें उसने सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को बोला, तो मतलब ये बात तो मैं बोलूंगी गलत थी, बट उसके बाद उसने अपोलोजाइज भी करा इस बात को, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एंड उसने आके सॉरी बोला एंड ये काफी अच्छी बात करी उसने। बट उससे पहले जो उसने बोला था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में, मतलब यूट्यूबर्स को ट्रोल करते हैं, उसने जिसने उसको ट्रोल करा था टिकटॉक को, जिन दो तीन यूट्यूबर्स ने, उसने उसकी जगह सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को एंड उसने मोस्टली सभी को बोला था कि सारे क्रिएटर्स। सो ये वाली बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी उसकी, बट ये अच्छी बात है कि उसने अपोलोजाइज करा इस चीज को। एंड यार, वाई वी कंपेयर बोथ द प्लेटफॉर्म, मतलब टिकटॉक और यूट्यूब को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मेन बात तो ये ना, आपको जिस पहली बात तो ये, आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है, अगर आपको टिकटॉक देखने में खुशी मिल रही है आप टिकटॉक देखो, आपको यूट्यूब देखने में मिल रही है आप यूट्यूब देखो। सो किसी को हेट करने की बात ही नहीं आती यहाँ पे। सो हम हेट कर क्यों रहे हैं? एंड मैंने देखा कि कैरी मिनाटी की वीडियो से के बाद टिकटॉक की जो रेटिंग है वो दिन ब दिन डाउन होने लगी, मतलब 3.6 समथिंग रेटिंग देखी थी मैंने पहले, देन उसके बाद 2 हुई, देन आज की डेट में 1.3 समथिंग की रेटिंग हो चुकी है उसकी। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। एंड मोस्टली लोग कह रहे हैं कि बैन हो जाएगा टिकटॉक एंड ऑल। सो मेरा किसी से पर्सनल हेट तो नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं या फिर किसी के बारे में अच्छा बोलूं, बट टू बी ऑनेस्ट यार, हमें कंपेयर तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आपको सीधी सी बात है, लाइफ एक ही मिली है, अगर किसी इंसान को कुछ सेकंड की वीडियो देखने पर टिकटॉक पे खुशी मिल रही है सो अच्छी बात है, वो किसी को 2-4 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो देख के खुशी मिल रही तो वो भी अच्छी बात है। हाँ माना, आप बोल रहे हो कि टिकटॉक ऐसा टिकटॉक, ठीक है ना यार, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करो। अगर आपको टिकटॉक पसंद हो आप टिकटॉक देखो, अगर आपको यूट्यूब पसंद हो आप यूट्यूब, अगर आपको नहीं पसंद टिकटॉक डेफिनेटली आप अनइंस्टॉल कर दो, अगर आपको यूट्यूब नहीं पसंद तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते एंड ऑल। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड बहुत से लोग बोल रहे हैं चाइना एंड ऑल, ठीक है यार, अगर आप यही बात पे लेके बोलो कि चाइना है का है एंड ऑल, तो हम जो फोन यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, वीवो, ओप्पो, ये सारे चाइना के ही हैं। सो डेफिनेटली हमें हेट तो आप ऐसे नहीं कर सकते। मेनली जो टिकटॉकर्स हैं उनको भी लोग पसंद करते हैं, तभी उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। ऐसा नहीं है कि लोग फालतू में उनको पसंद कर रहे हैं, हाँ उनके भी लवर्स हैं, दैट्स व्हाई उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। कैरी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं एंड ऑनेस्टली उसकी वीडियोज भी बहुत अच्छी होती हैं। एंड अगर आप कंपेयर कर भी रहे हो तो ठीक है, पहले जब टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया में, उससे पहले सो उस टाइम पे क्या था, टिकटॉक पे ग्रो करना बहुत ही ज्यादा ईजी था। उस टाइम पे क्या होता था कि आपको किसी के भी साउंड पे लिपसिंग कर देनी है एंड आप ग्रो कर जाते थे, बट इस टाइम पे ऐसा नहीं है।
टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छे से क्रिएटर्स को लाया है एंड वहां से भी आपको नॉलेज अब मिल रही है, मतलब आपको वहां पे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत सी टेक वाले जो लोग हैं वो भी वहां पे हैं एंड कुकिंग चैनल एंड ऑल बहुत तरह के अभी लोग आ चुके हैं टिकटॉक पे। सो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बेकार प्लेटफॉर्म है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार कुछ नहीं होता है, ये हमारी सिर्फ सिर्फ थिंकिंग होती है कि ये बेकार और वो बेकार है। बट स्टार्टिंग से ही जब से ये टिकटॉक है तो ना लोग ना जो लड़के होते हैं उनको गे बोलते हैं। सो गाइज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप सब लोग बोलते हैं ग्रो अप ग्रो अप, सो हम इस चीज में ग्रो अप होके क्यों नहीं सोच सकते। सो यार ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलेगा तो मैं बुरा लगेगा, अगर मुझे कुछ गलत बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, वही बात है ना। तो हमें किसी को ऐसे पर्सनली हेट किया कि यार ये तुम तो गे हो या फिर ये, इन चीजों से ऊपर आना चाहिए हमें। मतलब ठीक है अगर आपकी मेंटेलिटी इतनी सी है तो आप इतना सा सोचो, बट अगर आपकी मेंटेलिटी अच्छी हो डेफिनेटली आप इन चीजों पे कभी ध्यान दोगे ही नहीं। मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाती बट मुझे बहुत ज्यादा फोर्स मिला था कि व्हाट यू थिंक अबाउट, व्हाट यू थिंक अबाउट, डेफिनेटली आई एम हियर विथ यू गाइज। बट मेरा तो मेन मोटो ये है कि क्रिएट डोंट हेट, एंड बहुत से लोग हैं जो ना तो क्रिएट करते हैं ना तो टिकटॉक पे है ना तो यूट्यूब पे, बट उनको फालतू के जो मजे होते हैं ना वो लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। एंड तुम उस बस ये है कि गंद फैला के रखा है आप कह सकते हो कि, बट टिकटॉक और यूट्यूब पर कंपेरिजन करें सो हमें यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने से पहले काफी सी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमें कॉपीराइट एंड ऑल सॉन्ग प्लेबैक सॉन्ग, बट टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो वहां पे, आपको किसी का कोई कॉपीराइट का भी क्लेम नहीं आता है। बट अच्छी चीज है ये, बट एज अ यूट्यूबर हमें बहुत सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हम जो बैकग्राउंड साउंड यूज कर रहे हैं वो उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, हम जो थंबनेल यूज कर रहे हैं उसमें कभी कॉपीराइट ना आ जाए। सो यही चीजें हैं जो हमें टिकटॉक पे नहीं है बट यूट्यूब पे हमें फॉलो करनी पड़ती है। एंड टू बी ऑनेस्ट टिकटॉक वट इज यूट्यूब पर अगर मैं बोलूँ तो आप ये बोलोगे मैं यूट्यूबर इसलिए मैं यूट्यूब पे बोलूँ, बट नहीं गाइज टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब में अगर आप ऐसा कंपेयर करो कि आपको नॉलेजेबल, सो डेफिनेटली नॉलेजेबल ज्यादा यूट्यूब है टिकटॉक से कंपेयर करें हम तो ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे नॉलेज नहीं मिलती। हाँ अब बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं पर्सनली जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, लाइक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, रियल हिना खान एंड कार्तिक आर्यन एंड बहुत सारे सेलिब्रिटी और हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ना बहुत ज्यादा बेकार प्लेटफॉर्म मैं नहीं बोलूंगी उसे, जस्ट बिकॉज मेन बात मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको टिकटॉक से फेम मिलेगा तो डेफिनेटली आप टिकटॉक को कभी बुरा नहीं बोलोगे, एंड अगर आपको यूट्यूब से कभी फेम मिलेगा तो डेफिनेटली आप यूट्यूब को कभी बुरा नहीं बोलोगे। ये बात है ना, जिसको जहां से फेम मिलता है वो उस चीज को कभी गलत बोल ही नहीं सकता ना। अगर आप टिकटॉक में ऐसे फेमस हो आज डेफिनेटली आपके टिकटॉक बहुत अच्छी चीज है जस्ट बिकॉज उसने आपको फेमस करा, उसने आपको वायरल करा, एंड अगर आप यूट्यूब की वजह से फेमस हो सो वही चीज यूट्यूब की वजह से है। सो डेफिनेटली फ्रॉम माई साइड मैं ऐसा नहीं है कि मैं टिकटॉकर हूँ या फिर यूट्यूबर हूँ, मैं किसी की साइड से नहीं बोल रही हूँ ना टिकटॉकर के साइड से ना यूट्यूबर के साइड से, बट मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ सो यार क्रिएट करो बट हेट मत करो। एक दूसरे को हेट करने से हमें मिलेगा भी क्या, फालतू में किसी को ट्रॉल करना एंड हेट करना नहीं करना चाहिए। एंड ठीक है अब जो भी सिचुएशन चल रही है बट स्टिल यार किसी को ट्रॉल, अभी भी कुछ लोग हैं जो ट्रॉल कर रहे हैं दूसरे को कि यार तू ऐसा तू वैसा, ठीक है ना यार उसकी जो मर्जी है वो कर रहती है, जो मर्जी तू वो कर ले, सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। अगर देखो टिकटॉक पर है तू उससे इंस्टॉल करके देख, अगर देखो यूट्यूब पर है तू वो देख ले, को लड़ रहे हो यार फालतू में, इतना बड़ा इशू बना कर रख दिया है। वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा इशू नहीं, एकदम हाल क्लोज हो सकता था बट नहीं, से इतना बड़ा इशू बना कर रख दिया है कि आज जो हम COVID-19 की बात नहीं हो रही है, हर जगह बस यही बात हो रही है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जो कि हमारे सामने बहुत बड़ी सिचुएशन है COVID-19, हम उसकी वो तो एकदम भूल ही चुके हैं, बट अभी जो चल रहा है ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब उसका कोई मतलब भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं उसका कोई मतलब भी नहीं है बट हम उसमें उलझे पड़े हैं। सो फ्रॉम माई साइड किसी को मैं हेट नहीं करती, किसी को मैं बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ, सो फ्रॉम माई साइड क्रिएट डोंट हेट, सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। एंड या गाइस मेरा तो यही ओपिनियन है, यही सोचती हूँ मैं इस टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब के बारे में कि क्रिएट करो आप लोग बस हेट मत करो किसी को, एंड अगर आप किसी को बुरा बोलते हो डेफिनेटली उसे बुरा लगेगा,
और वही सेम चीज अगर आपके साथ होती तो डेफिनेटली आपको भी बुरा लगता। तो यार मैं किसी के साइड से बोलने नहीं आई हूँ, बस जो मेरा ओपिनियन था मैं तो वही शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। अभी टिकटॉक बैन होना है इंडिया में, नहीं होना है, सो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैं क्या सोचती हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में, एज अ यूट्यूबर, एज अ टिकटॉकर। ऐसा नहीं कि मैंने कभी टिकटॉक यूज नहीं करा है, यूज करा है मैंने भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कभी यूज नहीं करा है। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है या फिर एंड ऑल मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं उसके बारे में कुछ गलत है फिर अच्छा बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा सिर्फ मेन मोटो ये था कि अभी हमारे सामने जो आ रही सिचुएशन COVID-19, उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। सो गाइस ग्रो अप, और बस यही। अगर सही लगी हो, अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगा हो, डेफिनेटली आप ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आप अपने ओपिनियन भी शेयर करना कि व्हाट यू थिंक अबाउट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। सो अगर अच्छा लगा वाला वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ना करो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस।